दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिस बिजनेस से कमाई हो सके, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिस बिजनेस से लॉन्ग टर्म तक हम कोई अपनी स्ट्रेटजी के साथ फॉलो कर सके और अर्निंग कर सके, हम तो कर ही सके, हमारी पीढ़ी भी कर सके, और सबसे कमाल की बात उसमें ये हो कि उस बिजनेस के अंदर अगर वो टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्या पूछना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस स्टार्टअप में हाई डिमांड है, मतलब इतना डिमांड है कि अगर कोई भी कस्टमर आपका आपके दुकान पे आता है तो वो एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट को लेकर के जाएगा, और दूसरा उसके जो कस्टमर होंगे वो रिपीटेड कस्टमर होंगे। देखिए दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर रिटेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बंदा आपके यहां आता है और बार बार आता है तो आप ये समझिए आप उसे अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों वो है टारगेट ऑडियंस, यानी कि कितने लोगों के लिए आपका बेस्ट बिजनेस है, यानी कि कौन कौन से लोग इसमें बेहतरीन तरीके से आपके बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये तीन चीजें एक साथ एक बिजनेस के अंदर मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बिजनेस को चलने से कोई भी नहीं रोक। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जिससे ना सिर्फ आप कमाई कर सकते हैं बल्कि आप जो है इस फ्रेंचाइजी को आगे भी फ्रेंचाइजी के तौर पर दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यहां पर यह है कि कंपटीशन। देखिए दोस्तों जब भी आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कंपटीशन वहां पे बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। अगर आप कंपटीशन से पार कर जाते हैं तो आपका प्रॉफिट और मार्जिन घटने लगता है, लेकिन यह बिजनेस एक ऐसा है जिसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जिस रेट पर सामान कस्टमर को देने वाले हैं उस रेट पर कोई भी सामान नहीं देने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे ही एक फ्रेंचाइजी के साथ में। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस वीडियो में चार प्लान है, एक प्लान जो लास्ट में मैं बताऊंगा वो बिल्कुल फ्री में आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं तीन बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आज हम बात करते हैं नोटेशन 92999 रिटेल स्टोर के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा स्टोर है जिस स्टोर में 9 रुपए से लेकर के 999 रुपए तक के सामान मिलते हैं। अब आप सोचिए कि बेहतरीन से बेहतरीन सामान, बेहतरीन से बेहतरीन एक्सेसरीज, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो डेली यूज के हैं, आप उसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, चाहे वो होम किचन अप्लायंस का प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हो जाए, या इस तरह के जो डेली यूज के प्रोडक्ट है अगर 9 से 999 के बीच में मिल रहा है तो आप सोचिए कि आपके यहां कस्टमर कितनी जबरदस्त आ रहे हैं। इतनी जबरदस्त सेल मिलेगी दोस्तों कि एक बार एक कस्टमर आपके दुकान में आता है तो दूसरी बार जब वो बंदा आएगा तो और भी प्रोडक्ट खरीद करके ले जाएगा। इनके साथ आप इस बिजनेस के अंदर भी जुड़ सकते हैं। जहां पे दूसरे बिजनेस की बात करते हैं तो ये दूसरा बिजनेस है, ये है वेयरहाउस का बिजनेस, यानी जिसे ड्रॉप शिपिंग हब कहते हैं। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग हब से आप एक चीज समझ सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कांसेप्ट होता है उसको अगर आप समझते हैं या जानते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक जगह पे एक स्टोर पर सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। अगर आप एक मार्केटर हैं तो आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सेल करने के बाद से आपको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब होता है, बाकी प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट को भेजना और प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है तो उसको भी मैनेज करना सारा वेयर हाउस का काम होता है। तो आप चाहें तो अपना एक ड्रॉप शिपिंग हब जो है वो खोल सकते हैं, ये दूसरा अपॉर्चुनिटी है। तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि नोटेशन 92999 का बिजनेस तो आप ले ही लें, रिटेल स्टोर आप ले, उसके साथ साथ ड्रॉप शिपिंग का वेयर हाउस ले लें, मतलब जो पहला वाला बिजनेस था और दूसरा वाला बिजनेस था इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लें। ये तीन बिजनेस ऐसी है जो आपके जीवन बदल सकती है। दोस्तों इस बिजनेस में कई सारी चीजें हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कई सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया रिक्वायरमेंट की है कि अगर आप चाहे वो रिटेल स्टोर में जाते हैं, चाहे वेयर हाउस में जाते हैं या फिर दोनों किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो यहां पर आपको जो एरिया लगने वाला है वो 1000 स्क्वायर फीट से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी चीज है। प्रॉफिट मार्जिन की जहां पे बात आती है दोस्तों तो यहां पे 45% से लेकर के 60% तक प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। आप सोचिए कि 45% से 60% प्रॉफिट कमाना कितनी जबरदस्त चीज होती है। इस वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि ये बिजनेस दो तरीके से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें से पहला मीडियम है जो ऑनलाइन मीडियम है और दूसरा ऑफलाइन मीडियम है और ई कॉमर्स मीडियम।
मीडियम। अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, इसमें से किसी भी बिजनेस के मॉडल के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे पहला जो चीज आपको देखने को मिलेगा वो है टेरिटरी राइट, यानी कि पॉपुलेशन वाइज टेरिटरी राइट होगा। अगर आप एक सिटी में करते हैं और वहां की पॉपुलेशन 7 लाख है, तो दूसरा कोई बंदा उस एरिया के अंदर नहीं ओपन कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्जिन की। देखिए दोस्तों, अगर आप रिटेल स्टोर खोलते हैं और आप जो है प्रोडक्ट को सीधे भेज देते हैं उन लोगों के पास जो एंड कस्टमर है, तो यहां से जो आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलती है, ये आपको 45% से 60% के बीच में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें दूसरे मॉडल की, कि अगर आप रिटेलर मॉडल के अंदर जाते हैं, यानी कि रिटेलिंग करते हैं, तो यहां पे आपको 15-20% तक का प्रॉफिट मिलता है। होलसेल में अगर आप इस बिजनेस को सेल करते हैं, अगर आप इसके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो यहां पे 5-7% का मार्जिन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने इसी स्टोर का सब फ्रेंचाइजी ओपन कर दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने कंपनी से फ्रेंचाइजी लिया और आप आगे दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई आप भी अपना एक दुकान ऐसे खोल लो और उसकी सप्लाई आप कर रहे हो, तो जितना भी माल आप उनको सप्लाई करोगे उस माल पर आपको यहां पे 5% तक का प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए का सामान आपके स्टोर वाले बेच देते हैं, सब फ्रेंचाइजी वाले बेच देते हैं, तो आपको 5,000 रुपीज मिलता है। लेकिन अगर आप 10 लाख के दे देते हैं, तो यहाँ पे 50,000 रुपया जो है वो आपके झोले में आने वाला है, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एक बेहतरीन मॉडल आपको भारत में कहीं भी किसी भी बिजनेस के साथ नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेलिंग की, कि अगर आपके स्टोर से कॉर्पोरेट के अंदर लोग लेके जाते हैं सामान, तो यहाँ पे भी आपको 15% से 20% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको B2B मार्केट में भी आपको यहाँ पे 15-20% तक का मार्जिन देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस मॉडल के साथ आपको कई सारी चीजें मिलने वाली है जो आपको समझने की जरूरत है। पहला जो चीज फ्री में मिलने वाली है वो है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, जो लगभग 3.5 लाख रुपीज का है, वो आपको मिलने वाला है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर हम देखें 7-9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सेगमेंट की, ई कॉमर्स साइड की, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जो ऑफलाइन पर तो चलेगा ही चलेगा, ऑनलाइन में भी ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन की बात करें तो ये कंपनी जो है आपको अमेजोन पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, शॉप 101 और स्नैपडील जैसी मार्केट प्लेस पे आपका अकाउंट खोल करके देगी। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट आप दुकान पे बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप अब ऑनलाइन भी बेच सकेंगे। यानी कि ऑफलाइन में तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है, आप ऑनलाइन में भी बेच करके और तगड़ी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी फैसिलिटी मिलेगी। जहाँ पे मार्जिन की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे 30% से 40% तक का मार्जिन आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जो आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा आप जो मैं फ्री की बात कर रहा था, आप ड्रॉप शिपर क्लाइंट को भी सर्व करके और आप पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप सिर्फ मार्केटिंग अगर आपको आता है, आपको ऑनलाइन सामान बेचने आता है, आप अगर सोशल मीडिया पर फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और अपने लिंक के जरिए प्रोडक्ट को बेचने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग के मेथड से पैसे कमा सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस तरह की इंडस्ट्रीज के साथ, इस तरह के बिजनेसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डियोडेप फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो इस वीडियो के नीचे यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कंप्लीट डिटेल दे रखी है, वहां से भी आप जो है कॉन्टैक्ट करके और इस बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस बिजनेस के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप जो है इनके 9-999 स्टोर के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप वेयर हाउस खोल सकते हैं, या फिर किस तरह से आप इन दोनों बिजनेसेज को एक साथ कंबाइन करके और सब फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक स्नैपशॉट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।